काव कल सजास काव गुरु नानक राज जोग जिन माण्यो जिसमें अमृत ज्ञान है माणक भगत बैराग गुरु ग्रंथ साहिब उद्द बंदों कर अनुराग एकंकारा सतगुरु ते प्रसाद सच हुए वाहे गुरु जी की फतेह है विघ्न बनासन सोए वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह। गुरु रूप गुरु खालसा सत संगत जी, आपां पीरां पैगंबरां अवतारां दा जीवन पढ़दे आ, उन्होंने समाज में की कुछ किया, उन्होंने पैरोकार उस गल का प्रचार करते हैं, लेकिन दुनिया के इतिहास एक पहली एक घटना है कि किसी गुरु पातशाह महाराज के विआह पर मनाया गया वे। बेअंत पीर ने, बड़े पैगंबर ने, बड़े महापुरुष ने, अवतार ने, लेकिन किसी का विआह पर मनाया नहीं जाता। तो यह भी याद रखना, हर चीज के तीन पक्ष होंगे ने। पहला कारण, दूजी घटना, तीजा नतीजा। कोई भी काम हो, चंगा हो या माड़ा हो, उसके तीन पक्ष ने। पहला कारण, दूजी घटना, तीजा नतीजा। हुण सवाल यह पैदा होंदा कि असीं गुरु नानक पातशाह का विआह पर मनाउंदे क्यों हाँ, की मानता, की कारण है? असीं भी विआहे आ, साडे प्यो दादे विआहे ने, लेकिन गुरु नानक पातशाह के विआह पर्व नूं मनाउण दा भाव की है? थोड़ी जी बेनती करां, जिन्हों आपां कहिंदे मॉडिफाई लफ्ज़ है अंग्रेजी का, स्टेशन ते आपां कहण लग पए टेसन, लफ्ज़ अंग्रेजी का प्रोग्राम ते आपां बनाता प्रोग्राम। इसे तरह जिहड़ा ये विआह शब्द है ना, ये संस्कृत भाषा के विचों निकलिया, तो यदा अर्थ हुंदा विवाह। ववे नूं सियारी, ववे नूं कन्ना, ते हाह विवाह, यदा भाव की है? ये अर्थ ने भी विशेष विआह विवाह संबंध होना, विशेष वाह पैना, विशेष वाह पैण करके यदा नाम वाह है। तो जिन्हों आपां पंजाबी च मॉडिफाई करके विआह बना दिता। विशेष विआह क्यों? जिहड़ी बच्ची नूं असीं अपनी जान तों प्यारी समझदे हां, उह भरे समाज दे विच किसे दा पल्ला पकड़ा के ने भी धीए जिन्ना साथ होया समा लंघ गया, हुण तेरे दुख सुख तेरे नाल जमणगे। मैं बहुता डूंगा ज्ञानी नहीं, आम भाषा में गल्लां करदा, मापिआं दे करके ने मैल अटारियां होण, पर जिथे बीबी व्याहेगी उन्हूं उस कुली नाल भाग, उन्हूं महिला का कोई भाग नहीं। कई गरीब घरां दीआं अमीरां दे घर व्याहियां जांदियां ने, ते कई अमीरां दीआं गरीबां दे नाल, ते कईआं गरीबां दी अमीरां नाल। इह आपां इक लफ्ज पढ़दे हां दुनिया, दुनिया का भाव जी टू एस्पैक्ट, दो पक्ष होण, शादी ते गमी, दुख ते सुख, साधु ते चोर, देवता ते दैंत, दिन ते रात। इसे प्रकार इस मनुखा जन्म नूं सफला करन वास्ते लफ्ज है औरत ते मर्द, और उन्हां दोहां दे संबंध तों अगे संसार चलदा।
पर उस संसार विच जे किते निरंकार ते करतार जुड़ जाए तो विआह सफला। जे थां ते आपां आए हां ना विआह बड़िआं दे होए। हिंदू मत विच मैनू किसी ने आख्या भी ज्ञानी जी, क्योंकि अजकल बड़ा प्रचार चल रहा भी हिंदू राष्ट्र बनाउणा है, बड़ा मोदी साहब का जोर लग रहा। देखो निका जा मुंडा नौजवान बड़ा तां चुकिया तो वह कहिंदा बलराम बोलेगा वह रवेगा बाकियां नूं भजा देंगे। मैं क्या मित्रा का मौका दसेगा भजेगा कौन? ये कई गल कहण वालियां नहीं, सानू भजाउंदे भजाउंदे नादर शाह मर गया, अहमद शाह अब्दाली मर गया, बड़े आए, पर यह गुरु गोबिंद सिंह का पंथ है। ये किसी के भजाया भजन वाला नहीं, असी हाँ। 10 लाख का घेरा पिया, 40 सिंह बापू जकारे छड़दा। जे कलगी वाले का हाथ है दुनिया की ताकत सानू भुला नहीं सकती। गुरु साढ़े ते कृपा करे, असी गुरु के चरणों नाल जुड़े रहिए, साढ़े ते गुरु कृपा करे। याद रखिया दे नाल ये भी मैं तुहानू बेनती करा, जे को गुरते विमुख होवै बिन सतगुर मुक्त ना पावै, पावे मुक्त ना होर थे कोई। पुछो बिवेकियां जाए अनेक जोनी, परम आवे बिन सतगुर मुक्त ना पाए, फिर मुक्त पाए लाग चरनी। चरणा नाल जुड़ करके बात बनेगी। मैं गल नूं लमकावां ना, गुरमुखो संसार रीति दे मुताबक जिवें आपां कहने भी साडा पुत गभरू हो गया, साडी धी मटियार हो गई है, इन्हां वास्ते वर कर लभीए। मैनू तुहाडा नहीं पता, मेरे ते बिलीव करिया जे। मैं जदों इत्थे मत्था टेकिया ते मैं कहा माता सुलखणी तैनूं 100 बार नमस्कार। जिस बाबे नानक नूं असीं मत्था टेकदे हां, जिस बाबे नानक नूं मक्का परिक्रमा करदा है मां सुलखणी, बाबा नानक तेनू व्यौण लिए इत्थे चल के आ, पता नहीं तेरी कमाई किन्नी है। बाबे नानक नूं आपां चल के जाने आ ना, लेकिन बाबा नानक साडी मां सुलखणी नूं व्यौण लई आया है, ते मां सुलखणी दी पता नहीं किन्नी कु बंदगी है। ये माता जाने जां करतार जाने। एक जाप साहब की आपां पंक्ति पढ़दे, मैं तकरीबन मंजी साहब तो ये बोलता रहिंदा है कि कारण कुनिंद है कि रोजी दहंद है। ये जाप साहब की 109वीं पौड़ी है। कारण बनता है, सारे मुड़के वसीले वरते ने। धन गुरु नानक पातशाह महाराज, माता सुलखणी जी ते बेबे नानक दा जिहड़े ये परिवार सन, सारे अज की भाषा च माल महके विच अफसर सन। बेबे नानकी जी, धन गुरु नानक पातशाह दा परिवार ते माता सुलखणी दा परिवार अज की भाषा के मुताबिक ये माल महके विच अफसर सन। और उस माल महकमे करके बेबे नानकी का विआह भाई भाइए जय राम नाल होया। एक मैं अपने सुभाअ तों मजबूर हाँ, तो मैं प्रबंधक यह ना कहन भी ज्ञानी तुसी टाइम पास कर ली सज्जे खब्बे चले गए। मेरे मन में बेबे नानकी के प्रति अथाह श्रद्धा। कारण बेबे नानकी प्रशादा पकाउंदी है, ते बाबा नानक मदीने है, प्रशादा फुलिया ते कहन लगी कि ते मेरा वीर आवे, ये प्रशादा मेरे वीर दे खाण दे योग है। सतगुरु पातशाह कहिंदे मरदानिया बेबे ने चेते कीता, चल चलिए। मीट अखां अखां खोलियां ते कुंडा खड़काया। बेबे नानकी ने कुंडा खोलिया ते कहन लगी वीर किते लागे होवेगा, वीर किते लागे होवेगा। मैं ना धन बेबे नानकी, मैं उन्होंने करोड़ों का नमस्कार करता। मेरे मन में उन्होंने प्रति अशा था श्रद्धा। तो कई गल्ला असी प्राइवेसी दी लीक आउट नहीं कर सकते, पर मैं कह नहीं सकता। मेरा कोई मसला विगड़ जाए ना, अब तक कदम विगड़िया ही नहीं, क्योंकि ये मेरे नाल सैट है, ये मेरा मालिक तो मैं सिख हाँ, ये पहला कर देता है। पर जे कि उलझन जापे ना, तो मैं बेबे नानकी नूं कहना भूआ जे कोई पुत कपुत हो जाए ना, ते भूआ भरा नूं कहिंदियां भावें कमला ते भावें सियाणा है तां तेरा ते कम हो जांदा। जे मेरी हड बीती दी घटना, जे सुल्तानपुर साहब दे लागे पिंड दीप सिंह वाला बिल्कुल लागे साढ़े नगर दे गुरमुख प्यारे उत्थे बैठे, उन्होंने घर खंड पाठ सी, ते मैं उत्थे मेरी ड्यूटी सी।
मैं जाप साहब के 17 पाठ किए तो मैनू कंठ ना हो 17 पाठ जाप साहब के मैं एक दिन किए तो कंठ मैं क्या भूआ नानकी कोई चंगा जा माड़ा होंगे तो तू मार चाबी उस मौके मैं पाठ किया मैं जाप साहब कंठ हो गया मैं बेबे नानकी नहीं भुलता क्योंकि जाप साहब कंठ ही नहीं होंगे रहो विचार बेबे नानकी ने आख्या वीर कितने लागे होवेगा तन कमाई बेबे नानकी दी तन कमाई माता सलखणी दी ते गुरु नानक पातशाह कहिंदे बेबे मैं तां तेरे कदे तेथों दूर होया ही नहीं जिहदे नाल गुरु नानक रहिंदा है उहदी किन्नी कमाई वे मैं इह लफ्ज़ अपने कोलों नहीं कहिंदा तुसीं उप्पर कर कर लैणा इह तुहानूं उत्थों मिल जाएगा कहिंदे बेबे मैं तेथों कदे दूर ही नहीं होया ते तन गुरु नानक पातशाह बेबे नानकी दे पैरां नूं हथ लाउण लगे बाबा मर्यादा पुरशोत्तम है मर्यादा पुरशोत्तम हाथ लाउण लगे ते बेबे नानकी ने गुरु नानक पातशाह दे हाथ फड़ के ते गुरु नानक पातशाह नूं मत्था टेक दिता ते सतगुरु पातशाह कहिंदे बेबे मैं ताईं हुंदा तेरे कोल नहीं आउंदा भई तू मैथों 5 साल वड्डी है जदों बापू ने मेरे मूँह ते चपेड़ां मारियां सी ना खरे सबदे दे मौके ते ते तू मैनूं जफ्फी पा के छड़ा लिया सी मैं बेबे तेरी ओह गल ही नहीं भुलदा ते बेबे नानकी कहिंदी वीरा जे तू लोकां दे वीरां वर्गा वीर होवें मैं 100 वेरां पैरीं हाथ लवाना मैं रब दी भैण हाँ ये साखी जो मैं तुहानूं ये मैसेज देना चाहुंदा है कि बेबे नानकी दे माया दा पर्दा नहीं पिया बेबे नानकी ने गुरु नानक नूं गुरु करके मन्निया अज साडा आदमी 2 महीने काम करके कर तनखाह ना देवे ते बीबियां कहिंदियां जिहड़ी रन को रहा उहदे कोल जा मां कोल इत्थों तक कहिंदियां जे मेरी बोली जटकी है ते गुस्सा ना करना 2 महीने तनखाह ना ना देईए ते कहिंदी जिहड़ी मां को रहा उहदे कोल जा ये मां सलखणी है 12 साल के बाद भी वो सिर का साईं गुरु नानक आता कदे गला नहीं जे किया कदे नहीं आख्या मेरे वास्ते की लैके आया कि 12 साल कदे मक्के रहा कदे लंका गया कदे सऊदी अरब रहा मेरे लिए की लैके आया माता सलखनी बोली नहीं जेड़ा मैं तुहानूं विशेष तौर पर मैसेज देना वो ये है भाइए जय राम दे पिता ने विचोला बन के रिश्ता कराया ते विचोले दा भरा हुंदा विच ओला विचोला लफ जिहड़ा ना इह वी 2 शब्दां दा कंबीनेशन है कि जिहड़ा विच हो किते ओला करे ते लत्तों भावें लंघा ना ते आपां कहिंदे माड़ा जिहा लत्त नूं बल पिया वैसे तुरदा ठीक है इहनूं विचोले दा कम हुंदा जे लत्तों लंघा सरिया पिया ते आपां कहिंदे वैसे ठीक है माड़ा जिहा लंघ मारदा इहनूं विचोला कहिंदे ने बेबे नानकी दे सहुरा साहब जी ने ये रिश्ता कराया इत्थे जान जाई जिहड़ियां आपां गल्लां कहिंदे टुक्कां तों धक्का मार लगे ये मैं नहीं मनदा हो सकदा मैनूं तुसीं काफर कह दिओ कुछ कह दिओ किहड़ा परिवार है जिहड़ा जवाई दी इंसल्ट करेगा साडे समाज विच इक प्यार करन दे कुछ ढंग सन हुण तां आपां सारा कुछ गवा दित्ता ना मैं वेख्या कि परौणे दी जुत्ती चुक लैणी भला उहनां दे घर जुत्ती है नहीं परौने की जुत्ती चुक लैनी मैं अपने बचपन च वेख्या है जेड़े मंजे परौने ते मंजे नूं भौण मंजे नूं ते परौने नूं भौणा ना उहदे थोड़ा जिहा वाण घट होना ते परौने ने थले डिग पैणा ते बीबियां ने हस पैणा इह साडे समाज दीआं उस मौके रवायतां सन लेकिन कोई भी दुनिया का मनुख अपने जवाई की तुहीन नहीं करता हो सकता आई मे बी रोंग मैं गलत होवां पर मेरा जाति विश्वास है ये गल बिल्कुल नहीं होया कि ਵਿਆਹ ਹੋਣ ਲੱਗਾ ਤੇ ਵਿਆਹ ਕਾਹਦੇ ਅੱਗੇ ਅੱਗ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਕਰਮਾਂ ਉਹ ਲੋਕ ਕੀ ਜਾਣਨ ਕਿ ਬਾਬਾ ਇਸ ਅੱਗ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਅੱਗੇ ਲੰਘ ਗਿਆ ਜਦੋਂ ਇੱਥੇ ਅੱਗ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜਿਹਦੇ ਦੌੜਿਆ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰਕਰਮਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਨੇ ਆਸਾ ਦੀ ਵਾਰ ਦਾ ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਪੜ੍ਹਿਆ ਭੈ ਵਿੱਚ ਅਗਨ ਕੱਢੇ ਵਿਗਾਰ ਭੈ ਵਿੱਚ ਧਰਤੀ ਦੱਬੀ ਭਾਰ ਭੈ ਵਿੱਚ ਸੂਰਜ ਭੈ ਵਿੱਚ ਚੰਦ ਕੋ ਕਰੋੜੀ ਚਤਨ ਅੰਤ ਜਿਹਦੇ ਭੈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਧਰਤੀ ਆਕਾਸ਼ ਤੇ ਅੱਗ ਨੇ ਮੈਂ ਉਸ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਚੇਤੇ ਕਰਦਾ ਮੈਂ ਅੱਗ ਦਾ ਪੁਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਤੁਹਾਡੀ ਗਿਆਤਰੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ ਜਿਹੜੇ ਪਾਰਸੀ ਲੋਕ ਨੇ ਨਾ ਸਾਡੇ ਧਰਮਾਂ 'ਚ ਇੱਕ ਧਰਮ ਹੈ ਪਾਰਸੀ ਧਰਮ
पारसी धर्म का एक नियम है उन्होंने घर अठे पिर अग बलती है किसी कारण करके उन्होंने घर अग बुझे पहली तो बुझते नहीं क्योंकि उन्होंने भावना श्रद्धा है तो जे ही बाई चांस उन्होंने घर अग बुझ जाए तो उन्होंने भाईचारा इकट्ठा हो करके उन्होंने माली मदद करता है तो परमात्मा के अगे अरदास करता भी इन्होंने घर ये अग बलती रहे अग बलनी दीवा जगना यह वस्तु घर की निशानी है किसी की घर मौत हो जाए वो चुल्हे अग नहीं बाल दे किसी के घर गभरू मर जाए तो आप कहना इन्होंने घर दीवा बुझ गया इस करके ये अग वसते घर की निशानी है लेकिन जिहड़ी अग है ना ये साडा इष्ट नहीं याद रखना गुरु नानक सानू मूल नाल जोड़दा मूल नाल आप रोज पाठ करते हैं एका भाई जुगत व्याई तीन चेले प्रवान एक संसारी एक भंडारी इन माड़ा जा मन नूं कंसेंट्रेट करो एक संसारी एक भंडारी एक लाए दी बाण जिव तस भावै तिवें चलावै जिव होवे फरमान ते जिन्हों कलगीधर पातशाह ने इउं इंटरप्रैट किया काल पाए ब्रह्मा बपतरा इसे की व्याख्या जिहड़ी पौड़ी पढ़ी ना इहदी व्याख्या दसम पातशाह ने इत्थे कीती काल पाए ब्रह्मा बपतरा काल पाए शिवजी अवतरा काल पाए कर विष्णु प्रकाशा सगल काल का की अतमासा संसारी का भाव ब्रह्मा भंडारी का भाव विष्णु ते लाए दी बाण का भाव शिवजी अकॉर्डिंग टू हिंदूइज्म ब्रह्मा सृष्टि की उत्पत्ति करता है जेड़ा विष्णु उन्होंने रोजी रोटी देता है ते शिवजी महाराज उन्हां दी लैता करदे ने उस समय नाल दुनिया तो तुर जांदे ने जिन्हों आपां चौपी साहब दे पाठ विच विस्तार सहित पढ़दे हां। इस करके बाबे ने आख्या भी ना मैं अग दा पुजारी हां ना मैं ब्रह्मा दा पुजारी हां ना मैं शिवजी दा पुजारी हां जिहड़ा इन्हां दा मूल है मैं उन्हों मनदा हां। आपां इक पंक्ति पढ़दे हां खसम छोड़ दूजे लगे डूबे से वणजारिया सतगुरु है बोए था विले कने विचारिया सानू सतगुरु पातशाह ने मूल नाल जोड़िया हुण जदों कुदरती तौर ते सारा प्रबंध कीता ते ब्याह वाला लाड़ा पंजाबी बोली अपनी लाड़ा वह इनकार कर दे ते खली तो पैनी पैनी है ना विच सियाणे बंदे भी हुंदे आपां कहिंदे भी कोई नहीं गुस्से ना आओ रौला ना पाओ हौली गल करदे आ उन्होंने आख्या प्रौणे तू चाहना की है ये साड़ी बोली है पंजाबी दी आपां जवाई नूं प्रौणा कहिंदे आ कहिंदे आ तू प्रौणे चाहना की है कहन लगे मैं एक दा पुजारी ते मैं एक नूं मनदा मैं एक नाल जुड़िया ते एक नाल जोड़न लई आया जे मैं अग दा पुजारी नहीं कहन लगे ओ इक है की मैं बहुत सारे धर्मां दा मुतालिया कीता है खास करके मैं ईसाई ते पांच साल एजुकेशन लई ईसाई धर्म दी इहदे च मैं तुहानू इक मैसेज देंगा अपने धर्म के नाल बाकी दे धर्मां नू कंपैरेटिवली स्टडी करो ताकि पता चले कि साडे धर्म च वाधा की है तुहाडे चों कोई भरा मैनू वेदां चों नहीं पुछ सकदा है कुरान चों सवाल कर लो बाइबल चों कर लो अंजील चों करो मैं तुहानू जवाब दे के देवांगा मैं उच्ची बाहां करके तां बोलदा है इहदे वर्गा बापू दुनिया च कोई नहीं ऐसे वर्गा कोई नहीं होया कि सतगुरु पातशाह ने कहिंदे चौंकी लियाओ चौंकी लियाई गई लियांदी गई ते मेरे बापू ने मूल मंत्र लिखिया एक ओंकार सतनाम करता पुरख निरभउ निरवैर अकाल मूर्त अजूनी सभंग गुर प्रसाद अगे लिखिया जप आद सच जुगाद सच हैपी सच नानक होसी पी साहित अगे लिखिया जी एक इत्थे कई मेरे भरा कह दिंदे ज्ञानी जी इहदा पहली पौड़ी दा हैगा बिल्कुल गलत है पहली पौड़ी दा एका है हुक्म रजाई चलना नानक लिखिया नाल इहदे नाल एक जिहड़े वहिवीं बंदे ने उन्होंने बड़ा जिहड़े अपने धर्म के विरोधी ने ना अंदरों खाते सानू सन्हा कीता जे भी गुरु नानक दी बाणी विच 40 पौड़ियां सन ते इस बाणी नाल मुर्दा जिंदा हो जांदा है ते बाबे नानक ने एक पौड़ी घटा दित्ती
इस करके पौड़ियां घटने बकवास करते हैं। अज भी 40 पौड़ियां ने घटनी के प्यो जरा अपने पुत्र दगा करे। 38 पौड़ियां बाणी दियां ने, एक श्लोक है, एक मूल मंत्र प्लस 38 प्लस एक फलत एक 40 बनता है। बाणी विच कोई कमी नहीं। हाँ इन्ना जरूर है इत्थे थोड़ी इहदा कन्फ्यूज ते ज्ञानी इसका प्रचार करदे तुसीं भी श्रोमणी कमेटी संबंध तो मूल मंत्र गुरप्रसाद तक है। मैं बिल्कुल सहमत हाँ, इहनूं हुण क्लीयर करांगा। गुरु नानक पातशाह महाराज नूं उस अकाल पुरख दे कोलों गुरप्रसाद तक मूल मंत्र मिलिया। जदों बेई नदी विच चुभा मारिया ना ते गुरु नानक पातशाह नूं गुरप्रसाद तक मूल मंत्र मिलिया। यह निर्गुण नूं निर्गुण तो सरगुण नूं ते सरगुण ने प्लस ये नाल जोड़ के इनू कंप्लीट किया है। इहदे विच निर्गुण ते सरगुण दोनों का हिस्सा है। वह परिपूर्ण परमात्मा जिहड़ा दिसदा नहीं उस कहिंदे निर्गुण। उस निर्गुण के कोलों गुरप्रसाद तक मिलिया और सरगुण गुरु नानक पातशाह महाराज वो प्लस जब तो अगे आदि सच निरभउ है, आदि सच जुगाद सच हैपी सच नानक सीपी सच ये लेके ते मेरे पातशाह ने यह शब्द दियां मूल मंत्र दियां परिक्रमा कीतियां। क्यों कीतियां? हुण फिर सवाल पैदा वी ज्ञानी जी गुरु नानक ने पुरानी परंपरा नूं छड़ के अग नूं छड़ के उस मूल मंत्र दियां परिक्रमा क्यों कीतियां? इत्थे एक अंग्रेजी की कहावत है, साढ़े गुरु च एक वादा है, एग्जाम्पल इज बैटर दैन परसेप्ट। लैक्चर करन दे नालों पहला उदाहरण दिती जाए। बाबे नानक ने शब्द दियां परिक्रमा करके आख्या सिखो शब्द तो वड्डा कोई नहीं, ये शब्द नूं छड़ के भड़किया जिन्ना पर बदकिस्मती अज असीं डेरियां ते जाण लग पए ते कबरां ते जाण लग पाए। साढ़े हिंदुस्तान की एक बड़ी चंगी परंपरा सी, जदों मिलदा उहदा पहला सवाल हुंदा सी तुहाडा गुरु कौण है। कोई बंदा किसी नूं मिले भैण भरा दोस्त मित्र ते सवाल हुंदा सी तुहाडा गुरु कौण है ते ओह दसदा सी कि मैं फलाने नूं गुरु धारण कीता है। धन गुरु नानक पातशाह महाराज का जदों अवतार होया ना उदों थां थां ते सिद्धां दा बोलबाला सी ते जदों किसी की कुर्सी घुले ना अपोजिशन तो बंदा डरदा फिर मुड़ के कई तरह के पापड़ वेलदा है। बाबा नानक सिद्धां दी अपोजिशन पार्टी ढेलदे ने भी सानू लै जाएगा। उन्होंने चार पांच वेरां धन गुरु नानक पातशाह महाराज दे विचार गोष्ठी की आखिरकार उन्होंने हारना पिया। तुहाडे इलाके बाबे दे विआह दे मौके ते होई सी ना चल बटाले ते जदों उन्होंने पैसे गवाच गए ते मुड़ के बाबे नूं मत्था टेकण लग पाए। ये अज दा विशा नहीं। उन्हां पुछिया भी कवन गुरु किसका तू चेला ते आपां पढ़दे आं पवन आरंभ सतगुर मत वेड़ा शब्द गुरु सुर धुन चेला। ये साडा सब तो इंपोर्टेंट विशा सिखां दा। सवाल करन वाले सवाल करदे भी शब्द किहड़ा? जिहड़े देहधारियां दे डेरियां ते गड्डियां भर भर के जांदे ना डुब्बण, मैं खाम क्लीयर कहना तुहाडा भला हो जाए, ब्यास डुब्बण ना जाया करो, बाबे बकाले जाया करो। बाबे बकाले वाला मोढ़ा दे के तारदा जे ब्यासा डुब जावांगे चोण तुहाडी है। जे डुबना जे ब्याह चले जाओ ते जे तरना जे ते गुरमुखो बाबे बकाले वाले नूं मत्था टेको। इत्थे याद करोगे ते गुरमुखो समुद्र च मोढ़ा दे देंदा है। याद कीता समुद्र विच बैठा बाबे बकाले मोढ़ा दे दिता। बाबा एडा वड्डा है, शब्द एडा वड्डा है। रहो विचार, गुरमुखो गुरु बाबे ने आख्या कि मैं शब्द मेरा शब्द गुरु है ते सवाल पैदा होंदा कि शब्द किहड़ा है। मैं एक अंग्रेज विद्वान पढ़िया ते मैं तकरीबन हर रोज उस वीर का नाम लै करके थां थां ते गल करदा। उहदा नाम आल्बर्ट टेनबी है, नोबल प्राइज मिलिया है। उन्हें आख्या दुनिया के लोग जदों संसार विच कुछ ना रहा उदों गुरु ग्रंथ सच्चे पातशाह रहणगे। मैं नाम लिया, उहदा नाम आल्बर्ट टेनबी है, नोबल प्राइज मिलिया है। वह साडा क्रिश्चन भरा है। उन्हें आख्या दुनिया के लोगों जो संसार विच कुछ ना रहा उदों गुरु ग्रंथ सच्चे पातशाह रहणगे। बड़ी अजीबो गरीब गल है, दुनिया च रहा कुछ ना, उन्होंने पूछा भी तू गल तेरी कन्फ्यूज है, कम से कम क्लीयर कर, ये किवें रहणगे?
मैं सदके जाना उस वीर दे कहन लगा गुरमुखो मैं लक्कड़ दे पीड़े दी गल नहीं कर रहा, मैं लक्कड़ दे पीड़े नूं गुरु नहीं मनदा, मैं शब्द की गल कर रहा। दुनिया के तमाम दाने इस गल ते सहमत ने, ट्रुथ इज यूनीवर्सल, ट्रुथ इज यूनीवर्सल, सच्चाई सदीवी है। ते गुरु की बाणी की है, आद सच जुगाद सच हैपी सच नानक उसी पी सच। शब्द नाल क्यों जोड़िया, कारण की है? मैं एक लफ्ज कहा, सौ सियाने इको मत मूर्ख आपू अपनी। जदों असी नॉर्मल हालत में बिना मुतसब तो नैरो माइंडनैस तो पासे होके ब्रॉड माइंडड होके पढ़ांगे ना तो आटोमैटिकली सहमत होना। ब्रॉड माइंड नैरो माइंड तंग दिल वह दूजे नूं भंडेगा, ब्रॉड माइंड तो भावी उन्हां दी गल भी स्वीकार करनी तो अपनी भी देनी। दुनिया के तमाम धर्म कहिंदे भी सृष्टि का मूल मुढ़ शब्द तो बनिया। मैं बेनती की थी कि मैं साइज की एजुकेशन लई है 5 साल। बाइबल की पहली पंक्ति है, जो दुनिया में कुछ नहीं उदों केवल ते केवल शब्द सी ते शब्द ही परमात्मा। बाइबल का 1400 भाषा में अनुवाद हो चुका है और आरंभ है जो दुनिया में कुछ नहीं सी उदों केवल ते केवल शब्द सी ते शब्द ही परमात्मा। इत्थे थोड़ा जिहा आपां होर उलझाने भी शब्द किहड़ा होया। गुरमुखो अज तो को 50-40 साल पहला आप अपने बाप नूं बापू कहिंदे सां। बापू तो बाद कोई भाऊ कहिंदा, मालवी में जाइए तो बाई कहिंदा, मुड़ के आ गया पापा, फिर आ गया डैडी, तो हुण बीबियां ने डैड बनाया, पता नहीं गांह मुड़ के डैड तो हैड बना देण। पर है तो प्यो दा वाचक ही ना, भावें बापू जी कह दिए, भावें फादर कह दिए, भावें बाई जी कह दिए, पर प्यो दा वाचक है ना। इसे प्रकार जिहड़ा शब्द है ना, कुरान दे विच लिखिया कि उस खुदा दे कौन कहण नाल सृष्टि बनी। मैं बेनती की थी कि मैं जिन्हों तुसीं बाबे नूं अतवादी कहिंदे ने, बाबे जरनैल सिंह नूं, उस संत जरनैल सिंह ने अपनी जेब चो पैसे खर्च के ते मैनूं अहमदाबाद तों कुरान लैके दित्ता कि यह ज्ञानी तेरी पढ़न वाली चीज, तो मैं नानक निवास विच उहदा इक इक अखर पढ़िया, जिन्हों कहिंदे अतवादी बाबा। इत्थों हिसाब लाओ कि संत जरनैल सिंह दे मन विच दूजे धर्मां दे प्रति किन्ना सत्कार होवेगा। अपनी जेब चो पैसे दिते अहमदाबाद साडा जथा सी, ते मैनूं 70 रुपये दे कहण लगे, विज्ञानी तेरी काम की चीज करान लिया, ते तू पढ़ी वाची, और मैं गुरु नानक निवास विच उहदा अखर अखर पढ़िया। क्यों? जिन्ना चिर आपां दूजे धर्मां दा मुतालिया नहीं करदे, सानूं अपने धर्म की सुपरमिस्ट का पता नहीं चलना। कुरान च लिखिया कि खुदा दे कुन कहण नाल सृष्टि बनी, जिहड़ा यूदी मत है उन्हां दे कहण मुताबक लगोस कहण नाल बनी, हिंदू मत वाले भरा कहिंदे कि उहदे ओम कहण नाल बनी, कंठ पुराण दे मुताबक मैं लिखिया है, जिहड़ा ओंकार शब्द है ना हिंदू मत विच सारे तो पहला कंठ पुराण में आया, जिहड़ी 18 पुराण उन्हां पुराणां चों एक कंठ पुराण है, ते कंठ पुराण विच लिखिया ओंकार, जिहनूं आपां बाणी च कहिंदे आ ओंकार ब्रह्मा उत्पत, ओंकार किया जिन चित, ओंकार सहज उपाय, ओंकार वेद निर्मय, ते दसम पातशाह दी बाणी च पढ़दे परणवो आदि एक ओंकारा जल थल मैयल की उपसारा। भावें उहनूं ओम कह दिए, भावें उहनूं ओंकार कह दिए, भावें लुकास कह दिए, भावें कुन कह दिए, पर है शब्द। भाव तमाम महान पुरशां ने, धर्मां दे आगूआं ने शब्द नूं ही प्रैफरेंस दित्ती है। कारण की है? अज गुरमुखो जिहड़ी तरीक है ना, नोट कर लो, जिहड़े प्रबंधक भरा ने वो जिन्ने भी भैन भरा उहनां नूं यह बेनती करो कि आउंदे साल नूं गुरु कृपा करे तुसीं लाजमी आउणा। यह साडे वल प्रबंधकां ने कहना कि साडी बेनती है कि असीं कोई तजर्बा करना तो आउंदे साल नूं लाजमी आउणा, आपां लिख के भी दईए वैदा भी करिए पर अपने चों कईआं नहीं आउणा, कईआं ने रब नूं प्यारे हो जाणा है। लेकिन शब्द नूं तां मनदे आ, इह बापू अज वी प्रकाश है, ये 22 विच ही प्रकाश सी, 21 विच ही प्रकाश है, ये 26 विच ही प्रकाश होगा, ये चीन विच ही प्रकाश है, ये लंका विच ही प्रकाश है, ते बंदा साह आया ना आया ते कुछ भी नहीं, हम आदमी हाँ एकदमी। आप शब्द पढ़ते आदमी, जेड़ा आदमी शब्द है ना, ये दो शब्दों का कंबीनेशन है,
दम आ गया ते आदमी ना आया ते कुछ भी नहीं। दम आ गया आ दमी दम आना, दम आ गया ते आदमी ना आया ते कुछ भी नहीं। इस करके सानू गुरु ने शब्द नाल जोड़िया ते शब्द नूं असीं कहिंदे इमोर्टल। पता नहीं की गल साडी याददाश्त इन्नी क्यों कमजोर है, पढ़ते हाँ पर चेते नहीं रखते, साडी याददाश्त बहुत कर गई है। ना ये मरे ना होवे सोग देंदा रहे ना चूके भोग, साडे मरन ते रामकली सादा पाठ करना जे ग्रंथी सिंघां ने प्यार ज्ञानी जी चढ़ाई कर गए ने, जांदियां जांदियां रामकली साधी पढ़ छड़िए। इस गुरु के निमित राम ये रामकली साधा आचारण करेगा दूजे की मौत से, लेकिन यदि मौत नहीं होनी तो ये निमित किसी नहीं पढ़ना। ना ये मरे ना होवे सोग देंदा रहे ना चुके भोग। आप पढ़ते हैं कि जेडे सिलेंडर ने यह मुक गए ने अगले सोमवार हो गए, जितों आप सिलेंडर लेने ना उसे लिखा था नो स्टॉक, सिलेंडर मुके ने सोमवार मिलने, खंड मुक गई अगले बुधवार मिलेगी, लेकिन इस बापू को इना स्टाक है भी यह कदम मुकया ही नहीं। ये कदे नहीं कहता भी भड़के ना परसों आया जे, ये कहता हमने लाया। ना ये मरे ना होवे सोग देंदा रहे ना चूके भोग, गुण एहो होर ना ही कोए ना गोआ ना कोए। एदे वर्गा ना कोया ते ना एदे वर्गा होना है। अपने धर्म की जिन्हों आप कहने बोन जां रीढ़ की हड्डी, जिहड़ी रीढ़ की हड्डी है ना इस रीढ़ की हड्डी का विख्यान जां सानू जानकारी इस थां ते बाबे नानक ने दी सिखा, तेरी रीढ़ की हड्डी शब्द है। आप पढ़ते हैं शब्द गुर पीरा, ये नहीं भी बाबा पजामे वाले का शब्द गुर पीरा, ये नहीं आख्या। शब्द गुर पीरा गैर गंभीरा, बिन शब्दे जग बड़ान, शब्द ही गुरु शब्द ही पीर। ते जे भरा जिहड़े देहधारियां दे चमचे ने वो बाबे कोल बह के आउण ते की देवेगा, बाबा भी कोई ना कुछ बोलेगा ना, आखिरकार बोलदा वो भी शब्द ही है ना। पर इन्ना मैं तां मना करदा उत्थों जाण तों, उन्हां दे कोल ब्लैक दा माल जे ते ना जाया करो। मैं किसी बाबे दे उल्ट नहीं, पर जिथे तुसीं कन्नां च फूकां भराउंदे हो ना, ज्ञानी जी साडा बाबा कहिंदा सी गां ना गल करी जे दस्सिया ते कोड़ हो जाएगा। मैं कहा पहले बाबे नूं कोड़ होवे जिन्हें कई बेड़े कर किए ने, किहो जिहा मंत्र है जिहदे बोलण कोड़ हो जाता है। ये बाबे की बाणी, बाबा कबीर कहिंदा कबीर सुपने हू बराए के जे मुख निकसे राम, दे किसकी बापरी पुत्र होएगो ग्राम। ये बंदे की गल तां छड्डो, जे प्रात नूं पासा मारदिआं मारदिआं पासा बदलदिआं वाहिगुरू निकल गया ना, आप तां पवित्र हाँ ही हाँ, वह नगर भी पवित्र हो जाएगा। ये सानू सतगुरु नानक पातशाह महाराज ने इस थान से महान संदेश दिता सिखा, शब्द नाल जुड़, शब्द इमोर्टल है। और यह गल केवल आप कई बार कहने जी मैं कह दी मुड़ के खत्म होगी, ना ना, धन गुरु नानक पातशाह ने इस लड़ी को लगातार जारी रखा। जदों गुरु नानक पातशाह मक्की गए ने तो उत्थे आपां भाई साहब भाई गुरदास दीआं वारां विच पढ़नी, फिर बाबा मक्की गया नील बस्तर पहरे बनवारी, आसा हाथ किताब कश कूजा बाग मसाला तारी। किताब पोलिटिकल साइंस की नहीं, किताब इकोनॉमिक्स की नहीं, किताब कैमिस्ट्री की नहीं, किताब मैथ की नहीं, किताब केड़ी है? जेड़ा बाबे ने आख्या जैसी में आवे खसम की बाणी तैसड़ा करी ज्ञान वे लालो। हाँ आपको बोलना जानदा मैं कहा सब हुकमाओ जियो, जो करते दा हुकम है वह कहना, मेरी परसनली कोई राय नहीं। सब तो वड्डी मानता असी गुरु ग्रंथ सच्चे पातशाह की पावन बाणी चो गुरु नानक पातशाह के माता पिता के नाँ का वेरवा नहीं लग सकते, धन गुरु नानक पातशाह का प्रकाश दिहाड़ा नहीं लग सकते। ये केवल तो केवल ब्रह्म की गल है, सत की गल है, इतने दुनियावी मसलों की बात नहीं, केवल तो केवल ब्रह्म की। ते विचों घुंडी गुर कहिंदा ज्ञानी जी खुड़ गए तुसीं तां आप काबू आ गए जी गल चों, मैं तां बाणी विच बाबे मोहरी का नाम पढ़िया, तुसीं कहिंदे ना है नहीं गुरु परिवार का।
मैं ता माता खीवी दा नाम पढ़िया, गुरमुखा तेरी खोज तो मैं सदके जावा, लेकिन उन्हां दा नां क्यों आया? इस करके नहीं कि गुरु की पत्नी या गुरु के पुत्र ने, उन्हां दा नाम इस करके आया जो गुरु रामदास पातशाह महाराज नूं गुरता गद्दी मिली ना, ते बाबे मोहरी ने यह नहीं आख्या कि मैं भणोईए नूं मत्था टेकदा, उन्हें गुरु करके मनिया। इत्थे सिख ते गुरु की गल है। माता खीवी जिवें पहला बेनती की ने भी आदमी कि दो महीने कमा के लिया, आप कहने भी की कमा कितें रहा है? पहले गेड़े च बाबा लहणा जी 3 साल गुरु नानक पातशाह को रहे ने, जो 3 सालों तो बाद आए, 2 रातां कटियां तो माता खीवी ने एक बेर लंबा नहीं दिता, एक बेरा भी। तो जो 2 रातां कट के जान लगे ना, तो पिछों आवाज मार के तरन तारन तुम जाओ तो उत्थे मांझा तो लूण बड़ा चढ़ता, तो मैं 9वीं जमात तो 13वीं जमात तक लभदा रहा भी इंपोर्टेंस की है। आ वैसे ये कहते हट जा, पैसे भी आ गए तो सरोपा भी आ गया, यदा भाव यो टाइम वैसे 5 मिनट है ने, पर यह भाव ना बाबा ने बड़ा सुन लिया, तो जा काम कर, तू यह लैना से लै जा, मैनू 5 मिनट दे दौ, मैं चला जाऊँगा। गुरमुखो ये परंपरा कदों चली भी माता खीवी ने आवाज मारी मेरे सिरदिया साइया, माता खीवी का नाम ही नहीं आया, मेरे सिरदिया साइया, जिस गुरु पातशाह चरणों की सेवा करना है, अपनी दासी नमाणी वालों ये लूण का डला ते मांझा लै जा। बाबा लहणा जी ने पिछे मूँह करके आख्या, खीवी की कहनी है? कहती मेरे सिरदिया साइया, गुरु नानक पातशाह नूं जाके बेनती करनी, जिवें लूण खांदे अकीदा नहीं, असीं तेरी सेवा तो अकीए ना, असीं तेरी सेवा तो अकीए ना, ते जिवें मांझे दे नाल बंदे दे अंदरों कूड़ा कढ दीदा है, उन्हां नूं बेनती करनी भी अपनी रहमत दा झाड़ू मार के साडे अंदर औगण कर दे। जदों गुरु अंगद साहब नूं बुद्धि मिली है ना, इतिहास पढ़ो, गुरु नानक पातशाह ने माता खीवी नूं दोहरा दिता, तिया तिये संगत नूं नाम बाणी दे नाल गुरु अंगद देव नवाजणगे, ते तुसीं लंगर दी सेवा करनी है। मैं नहीं कहिंदा, ये मेरे भरा रागी सिंह आए ने, उस मौके दे रागी गुरमुख प्यारे ने जिक्र कीता है, माता खीवी सौ सोए जिन गोए ठाली, लंगर दौलत वंड गए, रस अमृत खीर घियाली, इस कारण करके उन्हां दा नाम। जदों जामा बदलिया ना, तो धन गुरु नानक पातशाह महाराज ने जिहड़ी उन्हां कोल बाणी सी ओह धन गुरु अंगद दे सच्चे पातशाह महाराज नूं सौंप दित्ती, ते गुरु अंगद दे सच्चे पातशाह महाराज ने एक सानू बहुत वड्डी दात दित्ती, जे उहदे मुताबक चलो तो साडा जीवन सफला। साडे पाठ वीरां ने लिखिया है, नानक नाम निरंजन जान्यो कीनी भगत प्रेम लिवलाई, तां ते अंगद अंग संग भयो सैर। इन शहर नहीं पढ़ना, एक मैं बेनती करा, आप बाणी पढ़ते हैं, अखर गिणी जाने, लग भावें थोड़ी पढ़ो तो भावें बहुती पढ़ो, उहदे लग करने का ख्याल रखो। जे शहर पढ़ोगे तो शहर कहिंदे ने कवि नूं पोएट, इत्थे शहर नहीं, इत्थे सैर, सैर का भाव समुंदर। जे बिंदी लागे पढ़ोगे बनता शहर, शहर बना कवि, यह गलत बात है। सैर भाव गुरु नानक समुंदर रूप ने गुरु अंगद साहब नूं समुंदर रूप बना दिता। नानक नाम निरंजन जान्यो कीनी भगत प्रेम ने बुलाई, तां ते अंगद अंग संग भयो सैर, तिन शब्द सुरत की नींव रखाई। गुरु अंगद दे सच्चे पातशाह ने आपां जिन्ने भैण भरा इत्थे आए ना, जो अस जाने हर थां ते सानू 2-4 भैण भरा वड्डे छोटे तकरीबन ये आम करके कहिंदे ने, ज्ञानी जी अमृत भी छकिया बाणी भी पढ़ते हैं पर गल जी नहीं बनी, ये आम बोली साडी, साडा मन नहीं लगता। मन लाने का एको एक तरीका है, आप बहुत ही एनर्जी लोगों को सुनाने ते लाने ते आप सुनते नहीं, आप लोगों को सर्टिफिकेट मंगते भी लोग कह बड़ा गुरमुख बड़ी बाणी पढ़ता है, लोग सानू चंगा कह माड़ा कह ये उन्होंने अपना मामला है, लेकिन असी बाणी को खुद आप सुनना है। सुनिया मनिया मन किता भाओ अंतरगत तीर्थ मल लाओ, बाणी सुन बाणी मन, और खास करके अंतरगातों पाप बाहर ना वेख अपने अंदर चाक, क्योंकि आप पढ़ते जो ब्रह्मंडे सोई पिंडे जो खोजे सो पावे, जो ब्रह्मंड में है तेरे अपने अंदर है, लेकिन बदकिस्मती है तू बाहर वेखी जाना अंदर नहीं वेखता। मैं तकरीबन हर रोज मंडी साहब तो बोलता है, फलाने की पग का रंग फिका,
फलाने का दुपट्टा नहीं धोता, वह रब का वास्ता दे लोगों के दुपट्टे से पगां ना वेखो, कदे अपने अंदर वेखो। मैं आम कहना हुंदा अज के जमाने स्कैनिंग चल रही है, तन की स्कैनिंग रोग दस दिंदी है। गुरु नानक साडे ते कृपा करे, जे मन की स्कैनिंग हो जाए तो सानू गुफा ते ना बुलावे, साडे अंदर इन्ने उगण ने। गुरु अगे अरदास करिया करो, हम मैड़े तुम उजल करते, हम निर्गुण तू दाता, हम मूर्ख तुम चतुर सियाने, तू सर्व कला का ज्ञाता, माधो हम ऐसे तू ऐसा, हम पापी तुम पाप खंडन, नीको ठाकर देसा। जो इस तरह अरदास करांगे, मैं अरदास करदा ना पातशाह किसी ही कोई कोए, मैं ये अरदास करदा किसी ही कोई कोए, मन जन माणी एक तू, किसी का कोई होवेगा, किसी का कोई होवेगा, मेरा एक तू है। जे भुली जे चुकी साई, पी तिंजी कंडिया, जिन्ना नेहुं ते जाने लगा, चूर मरों से बंडिया, होना छोड़ो कंत पासरा, सदा रंगीला लाल प्यारा, एहो महिंजा आसरा। सतगुरु पातशाह साडे सारियां ते कृपा करन। धन गुरु नानक पातशाह ने अपने विआह दे मौके ते सानू विशेष तौर ते इत्थे सनेह दित्ता, सिखा शब्द दी परिक्रमा कर, शब्द नाल जुड़, शब्द दे मुताबक अपने जीवन नूं मोल्ड कर, तेरा जीवन सफल है। इस तरह तों सानू इह संदेश मिलदा है। धन गुरु नानक पातशाह महाराज ते माता सुलखणी मत्था टेकणा ना, क्योंकि उहदा पेका पिंड जो होया ते माता जी तू ना हो ते बाबे नानक ने इत्थे किवें आउणा सी। मैं धन गुरु नानक पातशाह महाराज माता सुलखणी जी नूं ते गुरु ग्रंथ साहिब जी पातशाह नूं नमस्कार करदा ते बेनती करदा, भावें चंगे हाँ भावें माड़े हाँ, पंजाबी दी कहावत है पुत कपुत भावें हो जाण, मापे कमापे नहीं हुंदे, असीं तेरे पुत हाँ, भावें कपुत हो गए हाँ पर तू साडे मापे जे, साडे ते कृपा करिया जे, इहना वेख्या जे पुत कपुत हो गया, तुसीं मापे हो ते कृपा करिया जे, सानूं इत्थे भी आपणे नाल जोड़ी रखिया जे, उत्थे भी जोड़ी रखिया जे, क्योंकि तुहाडी बाणी च पढ़िया इत्थे उत्थे रखवाला प्रभ सतगुर दीन दयाला। गुरु का गुरु के संगतां दा धन्नवाद, भुल्लां चुक्कां दी माफ़ी। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह।